गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, एकदम चकाचक। हाँ, थोड़ी मोटी हो गई हूँ पर चलता है। तो गाइस, क्या है कि ना, जब से अब जैसे ही मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं सब इधर उधर हो चुके हैं, काफ़ी कम लोग ही हैं यहाँ पे, और उनमें से भी कुछ लोग आज जो है शादी में जाने वाले हैं। तो फिर अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने ईशू के लिए अब तक क्या क्या शॉपिंग की है, और वो भी मीसो से बहुत कम दाम में। तो मतलब आप 3:30 तक बहुत कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है भाई? तो हम मिडिल क्लास वाले लोग वैसे भी पैसे बचाने की सोचते हैं, तो जब हमें फ़ायदे का सौदा मिल रहा है तो क्यों ना खरीद ले। और जबकि चीज़ें सस्ती होने के साथ साथ अच्छी भी है, वो तो आपने सुना ही होगा, सस्ती और टिकाऊ। तो मैं आप लोगों को वही दिखाना चाहती हूँ कि मैंने मीशो से क्या क्या खरीदा है, वो भी बहुत कम रेट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्टली मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, है ना बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है ये। ये बेसिकली ये तीन मिली थी मुझे 105 में, रेड क्रीम। ये मुझे तीन मिली थी 105 में। इनमें से एक जो है अवनी कल लगा के गई थी, और ये बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है ये, सिर्फ 105 में। तो ये किफ़ायती है, और ये मैंने ईशू के लिए मंगाई है। मैं अपने ईशू का जब ये फ़ोटो शूट करूँगी तो लगा के करूँगी, देखते रहना। और मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई है ईशू के लिए। ईशू के लिए मैंने सॉक्स, ये सुंदर सी सॉक्स मैंने ऑर्डर की थी, ये देखिए फ्रिल वाली, ये बहुत सुंदर, बहुत ही क्यूट है। ये भी मुझे तीन ही मिली थी, ये मिली थी मुझे 126 में। 126 में मुझे तीन मिली है, और ब्लैक, वाइट और रेड। वाइट वाली मैंने मिस्टी को दे दी है, मिस्टी पहनेगी, और ये रेड और ये ब्लैक वाली मेरी इशू की है। तो मैं अब यकीन मानिए आप लोग, मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीदती हूँ, जो खरीदती हूँ इशू के लिए खरीदती हूँ। देखो, और ये बहुत मुझे इतनी क्यूट लगी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई इन्हें खरीदने से। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, है ना? और ऐसी क्यूट क्यूट सी चीज़ें मैं ढूंढती रहती हूँ कि मुझे मिले और मैं खरीद लूँ इशू के लिए। तो बहुत ही मज़ा आता है मुझे इशू के लिए शॉपिंग करने में। मेरा जब भी मन करता है मैं इशू के लिए शॉपिंग करती हूँ। और एक और बहुत क्यूट सी चीज़ मैंने इशू के लिए खरीदी थी, जो शायद आपने पहले उसकी फ़ोटोज़ में भी देखी होगी, और ये है वो इशू की डॉल, है ना क्यूट? हाय आले, ये इशू की डॉल है। अभी तो ये उसकी जितनी बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे मेरी इशू बड़ी हो जाएगी, तब मैं उसे दूंगी। ये उसकी सबसे पहली डॉल है जो मैंने खरीदी है, और ये आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 90 रुपये की, सिर्फ 90 रुपये की, इतने सस्ते में मिली है मुझे ये। और भी बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्ट टॉयज आप खरीद सकते हैं। और मैंने इशू के लिए ड्रेस भी मंगाई है, और ये जो है ये मैंने सर्दियों के लिए, इसका ये सर्दियों के लिए मैंने इसकी ड्रेस मंगाई है। इसमें है ये टी शर्ट, सो क्यूट, बहुत सॉफ्ट है ये टी शर्ट है, और इसके साथ है ये पैंट है इसके साथ, अच्छी लग रही है ना? कमेंट करके बताना। और कलर भी मैंने इसका बड़ा सोच समझ के लिया है, लाइट कलर अच्छा लगता है। और सर्दियाँ आ रही है तो थोड़ा बड़ा लिया है, क्योंकि सर्दियाँ आते आते ये 5 महीने की हो जाएगी, मतलब सर्दियाँ शुरू होते 5 महीने की हो जाएगी, अभी तो शुरू तो हो चुकी है थोड़ी थोड़ी सी, तो लेकिन अभी इतने भारी गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैंने मीशो से ही लिए है, ये मोजे और दस्ताने हैं। ये 4 जोड़ी आए थे सिर्फ 120 के, 120 के 4 जोड़ी लिए थे मैंने, और जिसमें से मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, और 2 अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं होती है, जैसे जैसे होगी तो ये बेहतर रहेंगे, क्योंकि गर्म कपड़े भी नहीं है तो हाथों को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही क्यूट है। मतलब छोटे बच्चों की सारी चीज़ें यार कितनी क्यूट लगती है, मतलब कुछ भी ले लो, जूते, जुराब, कपड़े, कुछ भी ले लो, सब चीज़ बड़े क्यूट लगते हैं छोटे बच्चों के। और एक ये मैंने ख़रीदा है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मतलब जैसे कि प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को कि सर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इससे वो नहीं होगा। इसमें ये 2 अलग से दिए है ऊपर, आप यहाँ पे सर रख के इन्हें ऐसे सेट कर सकते हैं, तो सर बीच में आ जाएगा, इधर से सेट हो जाएगा, बच्चा इधर उधर सर नहीं करेगा, सर बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, और सर जो है तिरछा भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, यकीन मानिए आप लोग। और ये मैंने लिया है 330 में, ये थोड़ा महंगा है, थोड़ा सा, काम का भी उतना ही है, तो ऐसा होता रहता है। उसके बाद गाइस मैंने खरीदे है ये गर्म कपड़े, इनर वियर है ये गर्म, और इसमें जो है ना मुझे ये 330 में मिले हैं, नहीं 320 में मिले हैं, और ये 3 जोड़ी है, इसमें 3 जोड़ी आए, और इनका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर से बाहर से बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इनका, तो इशू को रैशेस नहीं होंगे, वो बहुत कंफर्टेबल होगी इन्हें पहनने में। तो मतलब आप लोग सोचते होंगे कि हर चीज़ यार मैं बस अब खुद के लिए कुछ नहीं खरीदती हूँ, मैं जो खरीदती हूँ इशू के लिए खरीदती हूँ। और यहाँ भी इशू शोई हुई है तो इसलिए कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसके लिए लिए थे, और ये भी मैंने इशू से लिए, ये है उसकी बूटीज़, इशू की बूटीज़, और ये देखो कितनी क्यूट है, ये 3 जोड़ी है, लेकिन अभी उसके पैरों में आती है, थोड़ी बड़ी है ये, और जब ये 6 महीने की हो जाएगी या 6-7 महीने की होगी तब उसके पैरों में ये फिट होगी। कुछ 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 कुछ, और ये पिंक में है, और ऑरेंज में है, और ब्लू में है, कुछ कुछ, ये बहुत प्यारा, ये कॉम्बो था इनका,
और काफ़ी सस्ता है कॉम्बो के अकॉर्डिंग। और इनका जो जिस भी चीज़ से बनी है मतलब एकदम फर्स्ट क्लास है, सब कोई ऐसा बेकार मटेरियल नहीं है। और ले लास्ट वाला जो है ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था। ये इसमें ये फ्रॉक है, ये क्यूट सा फ्रॉक है, और इसके साथ आ रही है ये जैकेट, और मुझे फ्रॉक से ज़्यादा क्यूट ये जैकेट लग रही है छोटी सी। अब छोटे बच्चों की चीज़ें यार इतनी क्यूट क्यूट होती है ना कि बस पूछो मत, और मतलब लगी रहती है लाइन, मतलब मैं कुछ ना कुछ इसके लिए लेती रहती हूँ। और अभी भी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई है जो अभी आई नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगी और तब आएंगी। मैं दिखाती रहूँगी आपको, मैं इसके लिए जो भी खरीदती रहूँगी आगे आने वाले टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और हाँ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वेट 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 वेट, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके बता दी करो भाई वीडियो कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही, अपना जो है अपनी कीमती कीमती सजेशंस मुझे दीजिए, ताकि अगर कुछ इंप्रूव करना हो तो वो मैं कर सकूँ। और अगर नहीं, और अगर आपको मेरी वीडियो ऐसी अच्छी लगती है तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।